गाइस मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जंगली ट्राइब्स। आज जो नया पर्टिकुलर वीडियो बनने वाला है वो पूरा रॉ वीडियो बनने वाला है, पूरा एक ट्रिप का वीडियो है रहेगा ये। आज जा रहा हूँ अपने गांव और वो भी बस से जा रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो पूरा एक बस का सफ़र देखने के लिए मिलेगा, कैसा रहा वो बस का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आए, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस निकल रहा हूँ अपनी गली से बाहर और अभी जो है शॉर्टकट ढूंढता हूँ, ISBT जाना है। ISBT से बस पकड़नी है, फिर हरिद्वार जाना है, हरिद्वार से नजीबाबाद जाना है, नजीबाबाद से फिर बिजनौर जाना है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरा ट्रिप दिखाऊंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस। और चलिए बताते हैं आपको, गली गली निकल करके जाना पड़ रहा है, शॉर्टकट ISBT। तो गाइस थोड़ी बहुत देर में मेन रोड पे पहुंचने वाला हूं और गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी के टाइम पे निकला भी नहीं जा रहा है बाहर, तो ठंड ठंड में निकल रहा हूं ISBT से बस पकड़ करके। टाइम सिर्फ ना घर पहुंचूंगा, शाम तक ही पहुंचना होगा क्योंकि थोड़ा बहुत निकला भी देर से हूँ। तो चलिए गाइस, तो गाइस पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेन रोड। अभी फिर एक गली पार करके, गली में को निकल के गली पार करके तब ISBT जाया जाएगा। तो गाइस ISBT पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं अभी बस ढूंढनी है, बस ढूंढ कर रखे फिर अपना जो है जर्नी शुरू होगी। अब ढूंढते हैं कौन सी बस जा रही है। यह है गाइस ISBT, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस भीड़, बैठ चुका हूँ बिजनौर डिपो में। तो गाइस ISBT से बिजनौर की डायरेक्ट बस मिल गई थी, तो जो आपको पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए मिलेगा वो पूरा एक ही बस में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बैठ गया था इस बस में तो अब आपको अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं। ISBT से रिस्वाना पुल पहुंच गए, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस आपको यहां पर भीड़ देखने के लिए मिल रही होगी। गर्मी का टाइम था तो मेरे को एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हो गया, बिजनौर की डायरेक्ट बस मेरे को मिल गई, तो मुझे बीच में बस चेंज नहीं करनी पड़ी बिजनौर तक। वो तो है, और फिर रोड भी सही होगी।
गाइस आप देख सकते हैं, आपको बस में अगर आप आगे बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। कुछ ऐसा व्यू नजर आता है टोई वाला टोल टैक्स के पास। बस का व्यू बड़ा शानदार है, आप देख सकते हैं। आगे बैठा हूँ बस में, पूरा व्यू आ रहा है रोड पर। तो गाइस ये है डोईवाला का फ्लाईओवर, आप देख सकते हैं। आगे आपको बहुत ही शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। ये जो बस है, ये मैं सोच रहा था कि हाईवे से बाहर बाहर निकलेगी, पर ये जो है डोईवाला में पुराना जो रास्ता था मसूरी जाने का, उस वाले रास्ते से निकलेगी। आप देख सकते हैं आगे आपको मिलेगा। देख सकते हैं गाइस बहुत भीड़ हो रही है और ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही है। खानियावाला पहुंच चुके हैं गाइस, और ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये है देहरादून को जाने वाला पुराना रास्ता था। ये हाईवे से अलग पहले जो रास्ता जाता था देहरादून, वो वाला रास्ता है ये। आप देख सकते हैं गाइस सीधी छीत नजर आ रही है इस रास्ते पे। गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है इस रास्ते का, पूरा खाली नजर आ रहा है आपको ये रास्ता। ये है पुराना रास्ता जो यहाँ पर, यह रास्ता मर्ज होता है मेन हाईवे पे। तो गाइस ये है लाल दब्बड़, आप देख सकते हैं कंपनीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ये है किराया ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून का, आप देख सकते हैं भाई जैसा ही नजर आता है। तो गाइस पहुंच चुके हैं राय वाला, देख सकते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा नजर आएगा, दोनों तरफ पेड़ नजर आएंगे, बीच में ये रास्ता नजर आएगा जब आप हरिद्वार की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे ही आप देहरादून की तरफ से हरिद्वार में एंट्री करेंगे फ्लाईओवर के ऊपर से, तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। आप आगे भी देख सकते हैं और नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। तो गाइस ये है हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हैं बड़ा ही शानदार और खूब चौड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा।
देखो गाइस नजारा, रोड बनने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का काम कुछ इस प्रकार का चल रहा है, हाईवे जो बन रहा है आप देख सकते हैं गाइस। चुका है इस फ्लाईओवर का, जो कि डायरेक्ट ऊपर ऊपर से हरिद्वार जा रहा है। देख सकते हैं गाइस इतना काम हो चुका है, अभी इसके ऊपर अभी और काम रह रखा है। बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन के बाद देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसा हाल है, अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी भी काम चल रहा है इस रास्ते पे। ऐसा है पेड़ तो इसकी वजह से सारे ढक चुके हैं। धूल उड़ा रखी। अभी बस यूपी बॉर्डर पार करने वाले हैं। लो जी यूपी में एंट्री हो चुकी है।
तो गाइस ये है मोटा महादेव का रास्ता, इसके पास आपको ये आम का बाग देखने को मिलेगा, देख सकते हैं और मज़ा लीजिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं नेचुराबाद, यह है गाइस नजाबाद का बस स्टैंड गाइस। तो गाइस ये है नजाबाद से बिजनौर का हाईवे, आगे आपको बढ़िया हाईवे देखने के लिए मिलेगा। इस वाले रास्ते पे आपको ये नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये है टोल टैक्स। गाइस पहुंच चुके हैं बिजनौर के बस स्टैंड। तो गाइस पहुंच चुका हूं बिजनौर। ये पर्टिकुलर वीडियो बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आए। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट भी कर देना, और कहीं अगर ट्रेवलिंग ब्लॉग चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में।